हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना ज्यादा देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जियांगली को देखते हैं। वो सुबह उठने के बाद तैयार होती है और फिर अपने हस्बैंड शेन से ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलती है। शेन भी उसके ही इंतजार में बैठा था। शेन पूछता है, रात को तुम्हें अच्छी तो नींद आई ना? जियांगली उसे किस करती है। शेन कहता है, सब हमें देख रहे हैं। जियांगली कहती है, देख रहे हैं तो देखने दो, हम दोनों लीगली मैरिड हैं। फिर शेन उसे चेयर पर बिठाता है। जियांगली की नजर टेबल पर रखे न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें दो बड़े माफिया ग्रुप गोल्डन टाइगर गैंग और संघाई बंस की होने वाली मीटिंग की न्यूज थी, जिसे पढ़कर वो कुछ सोच में पड़ जाती है। शेन उसे स्वीट पॉडरेस देता है। जियांगली वो लेकर स्माइल करती है और अच्छी होने का नाटक करती है। शेन उसे रात को डिनर पर चलने की पूछता है। वो कहती है, क्या तुम्हारा किसी और को ले जाने का इरादा था? शेन कहता है, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें लेने अंकल वू को भेज दूंगा। वो कहती है, तुम अंकल वू को क्लोथिंग स्टोर पर भेज देना, क्योंकि मैं वहाँ मिसेज जाओ से मिलने वाली हूँ। देन शेन उसे किस करके वर्क के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही जियांगली अपने रिवेंज वाले कैरेक्टर में आ जाती है और खाने को छोड़कर चली जाती है। देन वो बाहर जाकर श्याओजे से मिलती है और कहती है, मैं रोज रोज स्वीट पॉटरेज खाकर तंग आ चुकी हूँ। तो श्याओजे उसे हैवी स्पाइसी फूड देता है, जिसे लेकर बहुत मस्त मस्त हो जाती है। फिर वो उसे गन देता है। जियांगली उससे पूछती है, स्टेप फादर कैसे हैं? वो कहता है, हमेशा जैसे, और उन्होंने तुम्हें सावधान और सतर्क रहने को कहा है। इसके बाद वो जियांगली को एक कार्ड देता है, जिसमें उस इंसान की डिटेल्स होती हैं, जिसे चटकाना है। देन वो क्लोथिंग स्टोर जाती है, जहां मिसेज जाओ से मिलती है। मिसेज जाओ उसे थैंक्स कहती है कॉस्ट्यूम डिजाइनर से मिलाने के लिए। वो कहती है, अरे कोई बात नहीं। इसके बाद जियांगली रूम में जाती है और उसे लॉक करती है। वहाँ उसे एक ब्लैक ड्रेस मिलती है और उसे पहनकर और मास्क लगाकर उस पार्टी में जाती है जो होती है गोल्ड डांस ग्रुप की। वो वहाँ मास्क पहनकर वेटर बने शेन से मिलती है, पार्टी की तारीफ करती है और कोट बोलती है। शेन को लगता है कि वो पार्टी होस्ट जो मावलिंग की गेस्ट है, इसलिए कोई सीरियस नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। शेन उस पार्टी में मकसद से जाता है। फिर वो मास्क उतार कर अपने डैड से मिलता है। मिस्टर शेन उसे गन और किसी को वहीं चटकाने के लिए कार्ड देते हैं, जिसमें उस इंसान की डिटेल होती है। पर शेन वो काम करने से मना करता है और कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप हर रोज मेरी पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब करें। मिस्टर शेन कहते हैं, तुम मेरे सन हो, तुम्हें पीसफुल लाइफ मिलना मुश्किल है। आखिर मेरा इतना बड़ा बिजनेस है जिसको तुम्हें संभालना है। शेन कहता है, मेरे पास मेरा ऑलरेडी लीगल बिजनेस है। मिस्टर शेन कहते हैं, वो छोटी सी वर्कशॉप तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी, और वो बिजनेस तुम्हारे लिए ज्यादा पैसे नहीं बनाएगा। तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचो, तुम्हें अपनी वाइफ और फ्यूचर बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। शेन कहता है, आप जियांगली से तो दूर ही रहे, वो इनोसेंट है, उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता है। मिस्टर शेन कहते हैं, मुझे पता है, वो टीचर की बेटी है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्लीन है, मैं उस लड़की से सेटिस्फाई हूँ। एक्चुअल में वो इनडायरेक्टली शेन को धमकी देते हैं कि वो उनका काम करे, क्योंकि जियांगली उसकी वीकनेस है। शेन कहता है कि उनके आदमी जियांगली से दूर रहें। मिस्टर शेन कहते हैं, पर मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ जियांगली को प्रोटेक्ट करने में। वो कहता है, मैं अपनी वाइफ को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। पर मिस्टर शेन उसे इस बात पर झुका ही लेते हैं। उन्हें शेन की सबसे बड़ी वीकनेस पता है। वो कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम जो फैमिली की डॉक्टर की तलाश में हो, क्या तुम जानना चाहते हो वो कहाँ है? जानना चाहते हो ना, इसलिए जाओ और अपना काम पूरा करो। मिस्टर शेन शेन को पूरी तरह अपने अंडर ले लेते हैं और इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है। अब देखना ये है कि शेन उनका काम करेगा या नहीं।